यूनिवर्सिटी के लिए मैं आज आपको दाद देता हूं। उसके बाद मैं जो आज मैं पहली दफा नस्ट आया हूं और मैं ये शर्मिंदा हूं कि मुझे अंदाजा नहीं था कि माशाल्लाह कितना जबरदस्त काम इस यूनिवर्सिटी में। जनरल नवीद, आपको मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं, लेकिन मुझे जनरल बाजवा ने बताया कि आर्किटेक्ट इसके जनरल पाशा सामने बैठे हुए हैं। जनरल शुजात आपको जनरल शुजात मैं आपको आपकी विजन को और हर चीज दुनिया में एक विजन से शुरू होती है। पहले एक इंसान एक सोच लेके आता है, एक तस्वर करता है किसी चीज का, और फिर अल्लाह ने इंसान को वो ताकत दी है। वो अल्लाह ने हमें जब अशरफुल मखलूकात बनाया तो हमें किसी को अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने हमारे में कितनी ताकत दी है। लेकिन जो चीज आप पिक्चर कर सकते हैं, जिस चीज का आप तस्वर कर सकते हैं, अल्लाह ने आप सब में वो ताकत दी है कि आप अचीव कर सकते हैं। पहले मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर सिर्फ ब्रीफली कह दूं कि मुझे जब फवाद चौधरी ने 60 से शुरू किया तो मेरी जिंदगी तकरीबन पाकिस्तान के बराबर है, और मैंने पाकिस्तान में जो वो होप था और जो ऑप्टिमिज्म थी और जो कॉन्फिडेंस था हमारे में, वो भी मैंने फेज देखा है, और मैंने वो फेज भी देखा है जिधर हम फिर नीचे आए और हमारा सेल्फ स्टीम चली गई, हमारा कॉन्फिडेंस चला गया, एक डिपेंडेंसी सिंड्रम आ गया कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो भी होगा वो इंपोर्ट ही करेगा, बाहर से आइडियाज भी इंपोर्ट करेंगे। वो जब कौम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव खो बैठती है, फिर वो मुताज हो जाती है दूसरे आइडियाज और दूसरी कौमों के। तो जो 60s के अंदर ये बात जो फवाद चौधरी ने की, हमें वो याद है स्कूल के दिनों में जो कॉन्फिडेंस था पाकिस्तानियों में। आप यकीन करें, जब मैं पहली दफा हिंदुस्तान क्रिकेट खेलने गया तो हमें ऐसे ट्रीट किया गया कि हम एक सुपीरियर कल्चर मुल्क से हैं। एक कॉम्प्लेक्स था हिंदुस्तान में जब मैं क्रिकेट खेलता था शुरू में, उनको पाकिस्तान का कॉम्प्लेक्स था। हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंस था, सेल्फ बिलीफ था हमारे में, और उसकी बहुत बड़ी वजह एक मेरिटोक्रेसी का कल्चर था पाकिस्तान में। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वो सारे एशिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। जो हमारा सिविल सर्विस का इम्तिहान था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, वो सबसे मुश्किल इम्तिहान था और मेरिट पे था। और जो 60s में डेवलपमेंट हुई वो किसी ने बाहर से आके नहीं की, वो हमारे अपने सिस्टम्स थे, हमारे इदारे थे, मजबूत थे। और पाकिस्तान के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस था वो उस डेवलपमेंट में से आया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए पाकिस्तान में, और अनफॉर्चुनेटली ये जो मेरिट का सिस्टम जैसे जैसे नीचे गया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पाकिस्तान जो पोटेंशियल था उससे बहुत नीचे चला गया। तो मैं आज आपके सामने 3-4 चीजें रखना चाहता हूं, क्योंकि आप यहां फैकल्टी भी है और फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वालिटी किस तरह की एजुकेशन दिया जाता है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स नस्ट के हैं, आप प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में से जो टॉप यूनिवर्सिटी आज नस्ट है उसके आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, अल्लाह ने जो निजाम बनाया है
वो जितना आपको नवाजता है उतनी आप पे जिम्मेदारी डाल देता है। ये सोचे ना, पाकिस्तान में हमारी इस वक्त जो सिचुएशन है तालीम का, हम बहुत पीछे रह गए हैं, क्वालिटी में भी पीछे चले गए हैं, लिटरेसी में भी पीछे चले गए हैं। लेकिन जो आप इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्वालिटी हायर एजुकेशन मिल रहा है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी डालता है। तो मैं उसकी उसके ऊपर पहले बात करूंगा और एंड में फिर मैं ये जो आज बहुत बड़ा काम किया गया साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क, पहली पाकिस्तान में जो आपने बनाई, ये बहुत बड़ी काम है और इंशाल्लाह ये रेप्लिकेट करेंगे हम पाकिस्तान के और भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। देखिए, सबसे पहले जो ह्यूमन पोटेंशियल है, एक इंसान का पोटेंशियल है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी जिंदगी की विजन क्या है, क्या ख्वाब देखते हैं आप जिंदगी का। मैं रिपीट करता हूं कि जो भी आप पिक्चर कर सकते हैं अपने जहन में वो पॉसिबल है। इंसान ने जितनी भी चीजें की, चांद पे गया, जितनी भी चीजें की, ये साइंस फिक्शन की जो 70s में फिल्म बनती थी, वो आज इंसान अचीव कर चुका है। क्योंकि अल्लाह ने जो आपकी पावर दी है आप में, वो जो पावर है आपके अंदर, याद रखें, फरिश्तों को कहा था कि इंसान के सामने झुको, और अल्लाह ने जब शैतान ने रिवोल्ट की तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम्हें नहीं पता मैंने इस इंसान को क्या क्या नॉलेज दी है, पावर दी है। पावर, नॉलेज पावर होती है। तो हम दुनिया में से गुजर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बन सकते थे और हम क्या रह जाते हैं। वो मौलाना रूमी की एक बड़ी जबरदस्त सेइंग है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो जमीन पे। इंसान में बड़ा पोटेंशियल दिया अल्लाह ने। तो सबसे पहली चीज आपका पोटेंशियल अचीव करने के लिए आपको एक बड़ी ख्वाब चाहिए, विजन चाहिए। जितनी बड़ी आपकी विजन होगी वो डिसाइड करेगी कि आप किधर तक पहुंचेंगे। जो विजन होती है, बड़ी विजन, ये याद रखना, वो अपनी जात से बढ़ के होती है। जो भी आज तक दुनिया की तारीख में बड़ा इंसान बना है, वो हमेशा अपनी जात से निकल के बना है। कोई दुनिया की तारीख किसी अमीर आदमी को नहीं जानती। बड़े बड़े अमीर आदमी आए, अरबोपति आए, खरबोपति आए, दुनिया की तारीख उसको जानती है जिसने उस पैसे से इंसानों के लिए कुछ किया। आज एक दुनिया में बड़ा नाम है बिल गेट्स। आप बिल गेट्स को देखें तो वो वाकई बड़ा इंसान है। इतना बड़ा पैसा जमा करके बना के अपनी सलाहियत से उसने अपनी जिंदगी के ऊपर बड़ा कम पैसा खर्च करता है अपनी नीड्स के मुताबिक, लेकिन वो सारा पैसा खर्च कर रहा है इंसानियत के लिए। हमारे यहां पोलियो प्रोग्राम के ऊपर वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, उसको अमेरिका में बैठ के क्या फिक्र है कि पाकिस्तान में पोलियो है। ये होते हैं बड़े इंसान। गंगाराम को लोग याद करेंगे, लाहौर में पैसे वाला आदमी था, हॉस्पिटल बना गया। सो सबसे पहले ये याद रखना कि बड़ा इंसान की बड़ी विजन, और बड़ी विजन हमेशा अपने से निकल के होती है, इंसानों के लिए होती है। और फिर तारीख उठा के देखें, दुनिया सिर्फ उनको याद रखती है। जब आप एक बड़ी विजन रखते हैं, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज समझना, जो आपकी विजन हो वो बड़ी तब है जब वो आपका दिल उस विजन को मानता है। ये हमेशा क्लैश रहेगा आपके जेहन में, दिमाग में और दिल में। जो आपका जो माशरा है वो आपके माइंड को डिक्टेट करेगा कि माशरा कहेगा जी ये एक दौर होता था सिविल सर्वेंट बनो, फिर होता डॉक्टर, फिर इंजीनियर। वो आपको माशरा डिक्टेट करता है एक टर्म, और दूसरी आपका दिल करता है। हमेशा अपने दिल को फॉलो करो। क्योंकि जो पैशन है, जो पैशन होता है ना, जुनून, वो सिर्फ दिल में होता है। और मेरे जिंदगी का तजर्बा यह है कि अगर टैलेंट
और जुनून का मुकाबला हो, ज्यादा टैलेंट भी हो लेकिन जुनून उसको टैलेंट को हरा देगा, क्योंकि जुनून आपको वो आपको प्रोपेल करता है। आप 14-14 घंटे 16-16 घंटे काम कर सकते हैं जब आपको किसी चीज का जुनून हो, लेकिन जो दिमाग से चलते हैं उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिल जो है ये ड्राइविंग फोर्स होती है बड़े लोगों की, बड़े जो काम करते हैं उनके दिल ड्राइव करते हैं उनको। फिर जब आप एक बड़ी ख्वाब को चेस करते हैं तो अपने जेहन में डाल लें, ये प्लीज याद रखें, कामयाबी का सबसे बड़ा ये राज है कि फिर आप किश्तियां जला के जाते हैं, आपका कोई प्लान बी नहीं होता। अभी एक प्लान बी हुआ था, वो सी होगा, फिर जेड चला जाएगा। देखें जो ह्यूमन पोटेंशियल है आपका, जब आप किश्तियां जला देते हैं, जब आप फैसला करते हैं कि अब कोई वापस नहीं जाना, तब आपके अंदर से वो पोटेंशियल निकलता है। जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो निकलता तब है जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं। जितना ज्यादा चैलेंज करेंगे उतना आपके अंदर से ताकत निकलेगी, लेकिन वो तब आप चैलेंज करेंगे जब ये आप फैसला करेंगे कि आप कोई वापस जाना नहीं है। जब आप जो लोग सिंगल माइंडेडली अपनी विजन और अपने ड्रीम के पीछे नहीं जाते वो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो जब वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी विजन पे, फिर कॉम्प्रोमाइज़ की कोई एंड नहीं होती। एक दफा आप अपनी विजन से पीछे उतर जाते हैं, आप कम चीज एक्सपेक्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आप मुसलसल नीचे जाते रहते हैं। कामयाबी का राज सबसे बड़ा यह होता है कि आप जब एक फैसला करते हैं और जो दिल आपका फैसला कर लेता है, फिर उसके बाद आप हर कोशिश करते हैं, आप फिर और फिर आप एक्सपेक्ट करें, जितना आपने ऊपर जिंदगी में सोचा जाने का उतनी आप एक्सपेक्ट करें कि आप नीचे गिरेंगे। जिंदगी जो है वो एक, आप जब आप बड़ा काम करने जा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि साइकिल्स में जाती है जिंदगी, कभी जिंदगी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। ये जो साइकिल आपके लिए आते हैं, बुरा वक्त आता है, ये जो सेटबैक्स आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये आपको सिखाने के लिए अल्लाह देता है। इसका मतलब कि कोर्स करेक्शन की जरूरत है, आपको एक चीज गलत कर रहे हैं, आप मेहनत कम कर रहे हैं। जो इंसान कामयाब होता है वो हमेशा, उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी होती है कि जो बुरा वक्त जब आता है उसको बुरे वक्त को संभालना आता है, कोप करना आता है। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तो कई दफा जो बुरे वक्त में डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, और वो जो डिमोरलाइज जब आपको एक सेटबैक करती है वो आपको हराते हैं। ये कभी आपको हार नहीं सकती जब तक आप हार ही ना माने। जब आप हार नहीं मानेंगे, आप मुसलसल बुरे वक्त से खड़े होंगे, सीखेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, और जब आप गिर के खड़े होते हैं और मेहनत फिर शुरू करते हैं, अब पहले से ज्यादा आपके अंदर ताकत आ जाती है, अपनी और स्ट्रेंथ डिस्कवर कर लेते हैं। ये है साइकिल, जिसको स्ट्रगल कहते हैं, जिसको जद्दोजहद कहते हैं, जो कामयाबी का राज है। और यूनिवर्सिटी के लिए, जो आपके लिए, क्योंकि आप सब क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन की सबसे बड़ी काम की सिफ्त क्या है? आपकी जो पावर और एनालिसिस है, अपनी गलतियों का जायजा लेना, वो बाकियों से ज्यादा बेहतर है। इसलिए जो क्वालिटी एजुकेशन है वो आपको इक्विप करती है स्ट्रगल करने की। आपकी एनालिसिस, हर बुरे वक्त की आप एनालाइज करते हैं, फिर आप डिमोरलाइज नहीं होते, आप एनालाइज करके फिर मेहनत करके ऊपर आते हैं। तो इस तरह आपके जिंदगी के साइकिल पे हर बुरा वक्त आपको प्रिपेयर करता है ऊपर जाने का। जिंदगी एक स्टेपिंग स्टोन का नाम है, और जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं आप जिंदगी में ऊपर जाते रहेंगे। मैंने अपने साथ क्रिकेटर्स देखे, बड़े टैलेंटेड थे, लेकिन वो किसी स्टेज के ऊपर जब कामयाब होते थे वहां जाके रुक जाते थे। वो इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
جس وقت آپ کا جس وقت آپ اپنے آپ کو چیلنج کرنا ختم کر دیتے ہیں آپ کی ڈکلائن شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو ہیومن پوٹینشیل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کانسٹنٹلی آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں اور اپنی جو اپنی ویژن ہے اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں میں نے دیکھا کئی دفعہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ایک دم بوڑھے ہو جاتے ہیں سفید ہو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے زندگی کا پرپس چلا جاتا ہے مقصد چلا جاتا ہے کیونکہ چیلنج چلا جاتا ہے زندگی سے میں نے اگر میں اپنی زندگی لوں تو اگر میں نے جب کرکٹ ختم کی تھی تو مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت تھی میں بھی وہ باقیوں کی طرح کرکٹ کے اوپر باتیں بوتیں کرتا کروڑوں روپیہ سال کا کما لیتا لیکن اس وقت میرا جو پوٹینشیل ایک ہیومن پوٹینشیل تھا وہ رک جانا تھا اس کی کیپ ہو جانی تھی جس وقت جو چیلنج جاتا ہے آپ کا پوٹینشیل کیپ ہو جاتا ہے اس لیے آپ کانسٹنٹلی اپنی جب آپ ایک مائل سٹون اچیو کرتے ہیں پھر اگلا مائل سٹون آ جاتا ہے پھر اگلا آ جاتا ہے اور یہ پھر آپ ریلائز کریں گے کہ آپ ڈسکور کرتے رہیں گے پھر آپ دو سال کے بعد اپنے آپ کو جب اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ سوچیں گے کہ وہ جو دو سال پہلے جس چیز کو میں مشکل سمجھتا تھا وہ تو مشکل ہی نہیں ہے کیونکہ ہر وقت آپ اوپر جا رہے ہیں میں نے جو فائنل جو آپ سے بات کرنی تھی وہ پلیز اپنی زندگی میں ایک چیز ڈالیں ہر ہم سب کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے رول ماڈلز تھے میرے کزنز تھے پھر اس سے بہتر ہوا تو پھر اور رول ماڈل ہو گیا پھر اور ہو گیا تو رول ماڈل ایک زندگی کا حصہ ہے ہمارا جب کوئی بزنس میں جاتا ہے تو وہ کوئی بل گیٹس کو رول ماڈل رکھے گا یا تو رول ماڈل ایک انسان ایمولیٹ کرتا ہے بچپن سے آپ کے ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں سو آن اسکول کے اندر کوئی بڑا پڑھائی میں اچھا ہوگا کہ اسپورٹس میں وہ رول ماڈل بن جاتا ہے بچوں کا جو دنیا کی تاریخ کا وہ رول ماڈل جس کو اللہ کہتا ہے کہ ان کو فالو کرو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں یہ آپ سب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب میں بڑا ہو رہا تھا انفارچونیٹلی کسی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی ہم جمعے کی نماز پہ میرے والد لے جاتے تھے اس وقت زبردستی لے کے جاتے تھے تب مجھے اتنا ایمان نہیں تھا اللہ میں تو ادھر سنتے تھے چیزیں تو سمجھتے تھے کہ یہ صرف مسجد کے لیے باتیں ہیں مجھے کسی نے نہیں بتایا اور نہ مجھے کسی نے سیدھی طرح ان کی زندگی کے اوپر اس طرح بتایا جو کہ میں نے بعد میں خود کے پڑھ کے سمجھا اس لیے میں یہ آج آپ سب کو بتا رہا ہوں دیکھیں دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو تو ان کی کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو آپ جب ان کی زندگی فالو کریں گے تو یہ ساری ٹریٹس آپ کو ان میں ملیں گی ان کی ویژن رحمت العالمین انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے یہ ویژن تھی انسانیت اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے جن جنہوں نے ان کو فالو کیا وہ سب بڑے نام بن گئے یہ جو سارا برے صغیر کے اندر جنہوں نے اسلام لے کے گئے وہ سارے اللہ کے بڑے بڑے ولی تھے نظام الدین اولیاء داتا صاحب حضرت بابا فرید یہ سب بڑے نام تھے یہ ساروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا آج بھی ان کے مزاروں پہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں کیونکہ بڑے انسان تھے اسی طرح جب انہوں نے ان کے جب اب اللہ کے حبیب تھے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں نے مذاق اڑایا ذلیل کیا آسٹرسائز کیا لیکن کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے جب لوگوں نے کہا کہ ان کو کہا ہر چیز آفر کی مکہ میں انہوں نے کہا چاند ایک ہاتھ میں اور سورج ایک ہاتھ میں بھی دو تو نہیں ویژن پہ کمپرومائز کروں گا لیکن
सुलह हुदैबिया पे कॉम्प्रोमाइज किया, मिशन के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी विजन के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, विजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी चाहिए, कभी भी जरूर पढ़े, कि उनके दुनिया के जाने के बाद क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने उनको देखा था सब लीडर बन गए। सो इन अदर वर्ड्स, जिन्होंने उनकी जिंदगी को फॉलो किया सब अजीम। दुनिया की तारीख में आप पढ़े, एक बुक है द अरब कॉन्क्वेस्ट, वो आप इसलिए पढ़े कि आपको पता चलेगा कि वो जब एक एक आदमी अजीम बन गया। हजरत बिलाल जो एक गुलाम थे, यहां जनरल बाजवा बैठे हैं, जनरल मिलिट्री के लोग बैठे हुए हैं, आप सोचें एक गुलाम, दो एक्सपेडिशंस उन्होंने लीड की थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग ट्रांसफॉर्म हो गए सारे, जो उनके इर्द गिर्द थे सब लीडर्स बन गए। ये तारीख का हिस्सा है, जो उनकी जिंदगी है, प्लीज रिमेंबर, ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है। इसलिए आपको स्टडी करना चाहिए। और जो मदीना की रियासत थी, जो उनकी सुन्नत थी, उसके बेस, उसके जो असूलों के ऊपर 700 साल तक मुसलमान दुनिया की अजीम पावर बने रहे, तो वो असूल क्या थे? आज आप यकीन करें, आज आप जाके स्कैंडिनेविया में देखें, जो खुशहाल मुल्क है, वो हमारे से ज्यादा उन असूलों पर चल रहे हैं। आज जो उन असूलों पर चलेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबको कहता हूं कि ये जरूर इसको स्टडी करें, क्योंकि आप एक वक्त ये था जब मुसलमान अपने रूज पे थे, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे वो सबसे बड़े रिलीजियस स्कॉलर भी थे, अल गजाली, बड़े बड़े नाम थे। वो जो पढ़ता था साइंस वो फिर बेहतर एक्सप्लेन करता था। कुरान में तो आलम का खास दर्जा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, ये जो प्रोसेस है स्ट्रगल का, ये आपको बनाता है, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग उधर से होती है। क्यों डेमोक्रेसी आगे निकल गई और हमारे मुसलमान पीछे रह गए? क्योंकि हमारे पे बादशाह थी। इलामा इकबाल कहते हैं कि और शाह वलीउल्लाह के बादशाह की वजह से मुसलमान पीछे रह गए और वहां डेमोक्रेसी आ गई और मगरब आगे चली गई। क्यों डेमोक्रेसी आगे चली गई? क्योंकि डेमोक्रेसी में दो चीजें हैं, मेरिटोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी। लीडरशिप की डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी है, वो जवाबदेह है, और मेरिटोक्रेसी है। बादशाह के अंदर मेरिटोक्रेसी नहीं है, और इसलिए वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते जमहूरियत का। और अच्छी जमहूरियत, जमहूरियत का मतलब जमहूरियत तो है ही तब जिसमें बेहतर मेरिटोक्रेसी, उनके इदारे मेरिट को ऊपर लेके आते हैं, और जो माशरे पीछे रह जाते हैं उनके अंदर सबसे पहले मेरिट तबाह होती है और फिर लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और ये जो शॉर्टकट से, ये जो बादशाह के अंदर खून से लीडर बनता है, या जमहूरियत के अंदर जो हमारी जमहूरियत की जो क्या फ्लॉ है, फैमिली सिस्टम, सारी फैमिलीज पॉलिटिक्स में आती हैं, ये तो बिल्कुल नफी कर देती है जमहूरियत की। अगर खून के ऊपर आपने आना है, आपकी आपकी सिर्फ आपकी मेरिट ये है कि आप एक फैमिली में पैदा हुए, तो ये तो नफी होगी मेरिटोक्रेसी की। और इसी वजह से 11 साल एक पार्टी का चेयरमैन बना रहे और उसके बाद वो एक थ्योरी लेके आए कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। मैं आखिर में जलन नवीद आपको पूरी विश करता हूं कि अपने मुल्क की तरफ से कि ये आप जिस तरफ आपकी यूनिवर्सिटी जा रही है और जो आप क्वांटमली तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये जो आपने साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर आज इन्वेस्ट किया है, मैं हर तरह की आपको सपोर्ट अश्योर करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट आपको हर तरह की सपोर्ट करेगी। हमने डॉक्टर अताउर रहमान को अपनी नॉलेज इकोनॉमी की टास्क फोर्स का हेड बनाया हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है, वो हमें पूरा एडवाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अब हमने कन्वर्ट करना टुवर्ड्स अ नॉलेज इकोनॉमी, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, इसके लिए हमने बजट भी रखा है। हालांकि मुश्किल हालात हैं,
मैं लोगों को ये बताता रहता हूँ, लोग कहते हैं इमरान साहब ये क्या आप बार बार कहते रहते हैं कि जी खसारा था और मुश्किल हालात है। मैं सबको कहता हूँ कि मैं अगले 4 साल तक आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि किस तरह का पाकिस्तान हमें छोड़ के गए थे, ताकि आपको ये पता चले कि हम क्या हमने क्या इंप्रूवमेंट की है। कंपैरिजन होगी ना, मुआवजना होगा। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा किस बेस से हमने शुरू किया, तो आप कैसे कहेंगे कि हमने कितनी इंप्रूवमेंट की। तो हमने स्पेशल एम्फसिस दिया साइंस और टेक्नोलॉजी पे। इंशाल्लाह जैसे जैसे अब हमारा मुल्क स्टेबलाइज कर गया, अब इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी वेल्थ क्रिएशन होती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरा एम्फसिस हमारा तालीम के ऊपर और हायर एजुकेशन, और खास तौर पे जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिस तरह आपने मेंशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये जिस तरफ अब दुनिया जा रही है, हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, दुनिया का सेकंड यंगेस्ट आबादी है पाकिस्तान के अंदर, इसको अब हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। ये बहुत बड़ी हमारी ताकत है, इसको हम पूरा कन्वर्ट करेंगे। ये जो नई टेक्नोलॉजीज है इसके अंदर हर किस्म के इनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे, ताकि हमारी जो यंगर जनरेशन है इस इन टेक्नोलॉजीज का पूरी तरह फायदा उठाए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक नॉलेज इकोनॉमी बनाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने इसके ऊपर जोर नहीं दिया। तो मैं आप सबका फिर शुक्रगुजार हूं। और मैं जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूं कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप एम्फसिस तालीम पे देते हैं, मैं ये बड़ी इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू।